के सोतीगंज के वाहन चोरों की तलाश में एएसपी कैंट और एफएसएल इंचार्ज ने इलाके में छापेमारी की। हालांकि कोई भी वांटेड अपराधी हाथ नहीं आया। इस दौरान इकबाल कबाड़ी की दुकानों और गोदामों पर भी छापेमारी की गई। यहां पर तलाशी अभियान चलाया गया, रजिस्टर चेक किए गए और सत्यापन किया गया। साथ ही सारे सामान की जानकारी मांगी गई। सोतीगंज पर पुलिस अब सख्ती का रुख अपनाए हुए है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय साहनी ने एएसपी कैंट इराज राजा को सोतीगंज के वाहनों का अवैध कटान रोकने का टास्क दिया हुआ है, जिसको चुनौतीपूर्ण मानते हुए एएसपी इराज राजा लगातार सराहनीय कार्य करते नजर आ रहे हैं। एएसपी कैंट इराज राजा ने सदर थाना पुलिस और एफएसएल इंचार्ज अरविंद यादव के साथ सोतीगंज इलाके में छापेमारी की। छापेमारी से इलाके में खलबली मच गई और आसपास के कबाड़ी अपनी दुकानें बंद कर कर भाग गए। सोतीगंज में हाजी इकबाल का गोदाम है, दुकान है, उसमें छापेमारी की गई है। तो उसमें सूचना हमें मिली थी कि कुछ संदिग्ध चीजें हैं, तो मुखबिर की सूचना के आधार पर हमारी टीम यहां पर आई है। आज एफएसएल भी थी कुछ संदिग्ध गाड़ियों की जाँच करने के लिए, जो कि हाजी इकबाल के यहाँ से मिली थी। उनकी जाँच रिपोर्ट भी एक दो दिन में आ जाएगी। और यहाँ भी कुछ पता चला था कि कुछ संदिग्ध सामान यहाँ पर है, गाड़ियों के इंजन वगैरह पार्ट, जो कि अवैध कटान, गाड़ी के जो कटान हुए उसके पार्ट्स हैं। तो उसी लिए यहाँ पर छापेमारी हुई है। उसमें जो संदिग्ध चीज़ें हैं उनको मार्क किया गया है, बहुत सारी चीज़ें हमको मिली हैं। अब उसमें जाँच करवा के ये देखना होगा कि ये सामान सही है या गलत है, और जो इसके मालिक हैं हाजी इकबाल, उनसे पूरा सब डिटेल्स मांगी जाएगी कि कोई सामान अगर है तो वो किस तरह का सामान है।